अस्सलाम वालेकुम पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो दो टाइप्स हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की उन्हें डिस्कस किया था आज के इस लेक्चर के अंदर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की थर्ड टाइप जिसे ऑस्मोसिस कहा जाता है उसे डिस्कस करेंगे सो so, ऑस्मोसिस को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर ताकि हमें ऑस्मोसिस क्लियरली समझ आए सो so, पैसिव ट्रांसपोर्ट के चार मेन कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे जो आपने याद रखने हैं नंबर वन पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ें हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं क्लियर हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट ये था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ों की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडिएंट। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं डिफरेंस इन कंसनट्रेशन यानी एक जगह पर सब्सटेंसेस पार्टिकल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है दूसरी जगह पर कंसनट्रेशन बहुत कम है सो हायर कंसनट्रेशन से जब चीज़ें वो लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगी तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इसके बरक्स अगर लोअर कंसनट्रेशन से चीज़ें हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट और ये हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर डिस्कस भी करेंगे सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेकेंड कंसेप्ट आपने क्या लेना है कि चीज़ों की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसे डाउन द कंसन्ट्रेशन ग्रेडियंट कहा जाता है राइट सो थर्ड कंसेप्ट आ जाता है पैसेव ट्रांसपोर्ट में कि पैसे ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड फोर्थ कन्सेप्ट आ जाता है कि पैसेव ट्रांसपोर्ट लिक्विड और गैसेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी बिकॉज लिक्विड और गैसेज के मालिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है सो इसी वजह से ट्रांसपोर्ट होती रहती है मालिक्यूल्स की राइट सो so, ये चार कॉन्सेप्ट आपने पैसे ट्रांसपोर्ट के लेने थे फिर हमने स्टडी किया सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को और हमने स्टडी किया डिफ्यूजन क्या है सेम जो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है वही डिफ्यूजन की डेफिनेशन है कि हायर कंसनट्रेशन से चीज़ों की ट्रांसपोर्ट लोअर कंसनट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन कहलाती है राइट बट जब हम लिविंग सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन आ जाती है क्योंकि लिविंग सिस्टम के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं और सेल्स की एक बाउंड्री होती है जैसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है सो जितनी भी चीज़ों की ट्रांसपोर्ट लिविंग सिस्टम के अंदर होनी है वो सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस होनी है और सेल मेम्ब्रेन की नेचर जो है वो सेमी परमीएबल होती है जिसमें हमने स्टडी किया था कि सेल में मेरे फासफोलिपिड बाई लेयर से मिलकर बनी होती है सो so, कुछ सब्सटांसिज ऐसे होते हैं कुछ पार्टिकल्स मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इस फास्फोलिपिड से आर पार एंट्री कर पाते हैं सेल के अंदर और बाहर जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन स्टीराइड हारमोन्स एंड लिपिड सालूबल ड्रग्स वगैरह इस फासफोलिपिड लेयर वाले एरिया से एंटर कर सकती हैं सो so, इस इससे जो मालिक्यूल्स एंटर करते हैं ट्रांसपोर्ट जिन मालिक्यूल्स की होती है हो, उसे हम सिंपल डिफ्यूजन में लेते हैं सो so, इसके अलावा इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि रास्ता जो ओपन होती हैं रास्ता प्रोवाइड करती हैं कुछ सब्सटेंसेस के लिए यानी जो लार्ज पार्टिकल्स हैं या जो पोलर मालिक्यूल्स हैं वो इस फासपड वाली लेयर वाले एरिया से एंटर नहीं कर पाते सो so, उनके लिए ऐसी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो रास्ता प्रोवाइड करती हैं सो so, इन प्रोटीन्स को फैसिलिटेटर भी हम कह सकते हैं सो so, इन प्रोटीन के रास्ते जो डिफ्यूजन होती है उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं इसमें एक्ज़ाम्पल हमने स्टडी की थी सोडियम आइंस पोटाशियम आइंस की ग्लूकोज़ वग़ैरह की राइट सो so, इसी में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो कि फैसिलिटेट कर रही होती है वाटर की ट्रांसपोर्ट को और इस प्रोटीन का नाम है एक्वा क्योंकि एक्वा वाटर से निकला है सो so, इस इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन इन्वॉल्व है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर राइट सो बेसिकली ये जो अभी हम फिना स्टडी करेंगे जैसे हम ऑस्मोसिस बोलेंगे बेसिकली ऑस्मोसिस एक टाइप है डिफ्यूजन की राइट और कौन सी डिफ्यूजन की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर ये प्रोसेस इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि इसे ऑस्मोसिस का वर्ड दिया गया है क्लियर हो गया सो so, यहाँ पर हमारे पास एक फासवेलिपेड लेयर है सेल मेम्ब्रेन की उसके अंदर एक प्रोटीन है जिसे एकवापोरेन कहा जाता है ये मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी होती हैं एकवापोरेन प्रोटीन का काम क्या होता है कि जो वाटर मालिक्यूल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट करना इन एंड आउट ऑफ द सेल सो लेट्स से वाटर के मालिक्यूल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं आउटसाइड द सेल वाटर के मालिक्यूल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं सो so, ये वाटर मालिक्यूल क्या करेंगे इंटर करेंगे इस प्रोटीन के रास्ते इनसाइड द सेल ठीक है और इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे हम ऑस्मोसिस ठीक है ऑस्मोसिस सो so, इसका मतलब है कि लिविंग सिस्टम के अंदर जब भी हम वाटर की ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे होंगे तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ऑस्मोसिस यानी अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे वहाँ पर हम ऑस्मोसिस नहीं बोलेंगे वहाँ पर डिफ्यूजन का वर्ड यूज़ करेंगे लेकिन जब हम वाटर की ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे ऑस्मोसिस क्लियर हो गया सो so, इसका मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिन्हें एक्वापोरेन कहा जाता है जो इन्वॉल्व हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कर लेते हैं ऑस्मोसिस बेसिकली टाइप ऑफ डिफ्यूजन है राइट सो डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल एकर द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी ऑस्मोसिस क्या है कि वाटर की ट्रांसपोर्ट या वाटर की डिफ्यूजन कहाँ से जहाँ पर वाटर की पोटेंशियल ज़्यादा है यानी जहाँ पर वाटर की मकदार ज़्यादा है टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल, ऐसी जगह पर जहाँ पर वाटर की पोटेंशियल या वाटर की क्वांटिटी या मकदार कम है एक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ये जो ट्रांसपोर्ट है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रही है ठीक है सो तो, तो इसे ऑस्मोसिस बोलेंगे यानी कि अगर आपको कोई एक जार सा मिले ठीक है उसमें पानी भरा हुआ है आप ऊपर से इंक डालते हैं तो वो इंक पूरे पानी के अंदर फैल जाती है इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाते हैं लेकिन उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे हालांकि उसमें भी वाटर के मालिक्यूल मूव कर रहे हैं राइट लेकिन हम उसे ऑस्मोसिस नहीं बोलेंगे उसे हम डिफ्यूजन बोलेंगे क्यों क्योंकि उसमें सेमी परमिएबल मम्ब्रेन नहीं है सो सेमी परमिएबल मम्ब्रेन का होना ज़रूरी है ऑस्मोसिस के लिए क्लियर हो गया सो so, इस फिना को हम इस डायग्राम के जरिए समझते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वाटर पोटेंशियल का वर्ड मैंने यूज किया है ये क्या है ओके okay. जैसे कि मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस क्या है डिफ्यूजन ऑफ वाटर है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल अक्रॉस अ सेमी सेमीपर्मीबल मेब्रेन सो वाटर पोटेंशियल क्या है याद रखिए वाटर पोटेंशियल है मयर ऑफ टेडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू इन अदर यानी कि वाटर की जो टेंडेंसी है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की उसे वाटर पोटेंशियल बोलेंगे यानी अगर एक जगह वाटर पोटेंशियल सिंपली मैं आपको बताऊं यानी एक जगह वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो और दूसरी जगह वाटर की क्वांटिटी कम है सो वाटर क्या करेगा हायर क्वान्टिटी से लोअर क्वानिटी की तरफ मूव करेगा सो जहाँ पर वाटर की क्वान्टिटी ज़्यादा है हम बोलेंगे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है मूव करने की और जहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम है तो हम बोलेंगे वाटर की टेंडेंसी टू मूव कम है ठीक है सो वाटर पोटेंशियल बेसिकली क्या है टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्लियर हो गया इस कॉन्सेप्ट को यहाँ डायग्रामेटिकली हम समझते हैं यहाँ पर एक हमने जार ले लिया या बीकर ले लिया ठीक है उसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने इंसर्ट कर दी ठीक है क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ठीक है अच्छा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खूबी हुब, क्या होती है इसकी खूबी ये होती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस वाटर तो ट्रांसपोर्ट हो सकता है लेकिन सोल्यूट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते सोल्यूट क्या होते हैं आप जानते होंगे सोल्यूशन को सो so, सिंपली मैं आपको बता देता हूं सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन राइट सो so, यहाँ पर भी एक सोल्यूशन है जहाँ पर भी एक सोल्यूशन है सो so, सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे सोल्यूट होंगे और सॉल्वेंट होगा सो सॉल्वेंट यहाँ पर हम वाटर की बात कर रहे हैं सो so वाटर होगा हमारे केस के अंदर ठीक है so, तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे मालिक्युल्स आपको नजर आ रहे हैं ना ये कौन से मालिक्यूल्स हैं ये वाटर के मालिक्यूल हैं ठीक है और ये जो लार्ज मालिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं ये सोल्यूट के मालिक्यूल हैं फॉर एग्जाम्पल सक्रॉज के मालिक्यूल आ गए ठीक है so, सो दोनों साइड पर अगर आप देखें तो वाटर की क्वांटिटी देखने में हमें बराबर लग रही है लेकिन जब हम वाटर के मालिक्यूल्स को देखते हैं तो यहाँ पर सोल्यूट की मकदार कम है यानी दो ही पार्टिकल आपको सोल्यूट की नज़र आ रहे हैं, जबकि इस कैस के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं राइट यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं सो होगा क्या कि जहाँ पर सोल्यूट कम होगा वहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा क्योंकि वॉल्यूम जो है वो तो हमने सेम लिया हुआ है ना सो so, यहाँ पर वाटर के मालिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर वाटर के मालिक्यूल बहुत कम हैं सो so, जहाँ पर वाटर के मालिक्यूल ज़्यादा हैं वहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या होगा हाई वाटर पोटेंशियल होगा राइट सो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या होगा लो होगा सो so, हेयर वी हैव लो वाटर पोटेंशियल सो वाटर पोटेंशियल की एग्जाम्पल हमने समझी थी कि वाटर पोटेंशियल में क्या होगा कि वाटर हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा और इसकी दूसरी एग्जाम्पल ऐसे भी मैं आपको तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो सोल्यूट पार्टिकल हैं ये क्यों नहीं इस साइड मूव कर पाते उसकी वजह यह है कि ये जो सेमी परमियाबल मेम्ब्रेन है ये पार्टिकल्स को अलाव नहीं करती मूव करने के लिए क्योंकि ये पार्टिकल इस सेमीमी परमीएबल मेम्ब्रेन के लिए बहुत बड़े हैं बट इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर के पार्टिकल इस साइड मूव कर सकते हैं ठीक है सो ऐसे ही

कि वाटर दो तरीक़ों से मूव करेगा एक वाटर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा जो आपको जहाँ पर नजर आ रहा है कि जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है यहाँ पर कम है सो वाटर इस डायरेक्शन में मूव करेगा दूसरा कॉन्सेप्ट आपने ये लेना है कि वाटर लो सोल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसन्ट्रेशन की तरफ मूव करेगा सो यहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है यहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है सो अगेन वाटर जहाँ लो सोल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं ठीक है थीके? क्योंकि बास बुक में सिर्फ एक पॉइंट ही डिस्कस किया होता है और स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो रहे होते हैं यहां पर दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं ओके okay. सो so, जब ये वाटर मूव करने लगेगा तो आपको ये सिनारी देखने को मिलेगा होगा क्या कि इस एरिया से वाटर के मालिक्यूल्स मूव करेंगे इस साइड पर अनलेस एक इक्ुलिब्रियम अटेन हो जाए यानी यहाँ पर दो सोल्यूट के मालिक्यूल्स हैं और एक दो तीन चार पाँच छः छः वाटर के मालिक्यूल हैं और इसी तरीके से सोल्यूट के मालिक्यूल्स यहाँ पर फाइव हैं तो तकरीबन पंद्रह सोलह वाटर के मालिक्यूल यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे सो so, अब ये वाटर के मालिक्यूल इस साइड आते हैं फिर इस साइड जाते हैं सो so, एक इक्ब्रियम मेटेन हो चुका है ठीक है ओवरऑल सोल्यूट और वाटर की जो कंसनट्रेशन है या सोल्यूशन है वो एक इक्बरी अटैन कर चुका है ठीक है सो so, इस प्रोसेस को इसमें हुआ क्या है कि वाटर ने मूव किया है एकस द सेमी परमियाबल मेम्ब्रेन सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे ऑस्मोसिस बोलेंगे क्लियर हो गया ओके okay. अब ये जो ऑस्मोसिस है जैसे मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं ज़रा सा बेनिफिट्स स्टडी करेंगे तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर का बैलेंस है वो ऑसमोसिस के ज़रिए ही मेंटेन होता है यानी हमारी बॉडी के सेल के अंदर अगर वाटर कम हो चुका है तो बाहर ब्लड से सेल के अंदर वाटर इंट्री करेगा अगर ब्लड में कम हो चुका है तो किडनी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर मतलब वाटर को स्टोर करना शुरू कर देंगे सो तो वाटर बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर सो इसमें ऑसमोसिस का रोल है इसके अलावा प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर रूट से ट्रेवल करता है अपू वर्ड्स द लीव्स एंड स्टेम्स तो वो भी ऑस्मोसिस के ज़रिए ट्रैवल करता है यानी प्लांट की बॉडी के अंदर सॉल्यूट के कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है ज़मीन के नस्बत सो प्लांट की बॉडी क्या करती है वाटर को ज़मीन से खींचती रहती है और ऊपर को बेचती रहती है सो so, और और ये वाटर फिर फोटोसेंथिसिस में यूज़ होता है राइट इसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेट स्टोमेटा इसकी एक एग्जांपल आ जाती है यानी स्टोमेटा अगर ओपन हो, होगा तो ही फोटोसेंथिसिस uh, का प्रोसेस हो सकेगा राइट सो so, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी वाटर की वजह से होती है कैसे होती है अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वाटर के वाटर जब एंटर करता है सेल के अंदर तो वाटर जो है सेल जो है वो टर्जेड हो जाता है जब टर्जेड होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है इसके अलावा जो नॉन वुडी प्लांट्स हैं जिनके अंदर वुडी पोर्शन नहीं होता उनके जो स्टेम्स हैं वो वरिक्टल खड़े रहते हैं सो उसमें भी वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्मोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ऑस्मोसिस के जरिए वाटर इनटैक होता है प्लांट के अंदर सो वाटर होगा तो प्लांट जो है वो मुरझाएगा नहीं और वो स्टैंडिंग पोजिशन में खड़ा रहेगा ओके अब हम एनिमल्स और प्लांट सेल्स के केस में ऑस्मोसिस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं याद रखिए आपने तीन टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में सुन रखा होगा एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दूसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन तीसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अब हाइपोटोनिक आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है ये हम समझते हैं याद रखिए लेट्स से एनिमल्स के केस में हमने रेड ब्लड सेल को एक सोल्यूशन के अंदर रखा है सोल्यूशन के तीन सिनारी के अंदर रखा है ठीक है रेड ब्लड सेल को सबसे पहला सोल्यूशन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है इसमें वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है ठीक है और सोल्यूट कंसनट्रेशन बहुत कम होती है ठीक है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर वाटर की पोटेंशियल या वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और सोल्यूट की कन्सनट्रेशन बहुत कम है सो so, जब आप रेड ब्लड सेल को उसके अंदर रखेंगे ये क्या है हमारा रेड ब्लड सेल है एनिमल का कैसा हम स्टडी कर रहे हैं सो so, जब आप रेड ब्लड सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखेंगे यह एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है ठीक है इसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है और इसके अंदर सोल्यूट्स बहुत कम मकदार में हैं, ठीक है थीके? ये वाटर ग्रीन कलर में मैंने लेट से वाटर ड्रा कर लिया और ये सोल्यूट्स वगैरह ड्रा कर लिए और ये सोल्यूट्स बहुत कम मकदार में है तो होगा क्या रेड ब्लड सेल के अंदर सोल्यूट बहुत ज़्यादा मकदार में एज कम्पेयर टू दिस सोलूशन इस सॉल्यूशन के मुकाबले में रेड ब्लड सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है सेल के अंदर सोल्यूट्स होते हैं आप जानते हैं बहुत सारे सोल्यूट्स डिफरेंट मौजूद होते हैं सो so, होगा क्या वाटर ये मूव करने लग जाएगा अक्रॉस दिस सेमी परमिएबल में ब्रेन इन साइड द रेड ब्लड सेल ठीक है क्यों मूव करेगा क्योंकि जहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है जहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम है सो हायर वाटर पोटेंशियल से वाटर लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है सेकंड सिनेरियो यहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन बहुत कम है जहाँ पर सोल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है सो वाटर अगेन लो सोल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा सो so, वाटर जब रेड ब्लड सेल के अंदर एंट्री करना शुरू कर देगा बहुत ज़्यादा एंटर हो जाएगा तो ये रेड ब्लड सेल की जो वाल है जिसे सेल मेम्रैन कहा जाता है ये इतनी मजबूत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा वाटर बर्दाश्त कर पाए सो so, ये रेड ब्लड सेल बस्ट फट सकता है ठीक है सो so, इस सिनारियो में हमें क्या देखने को मिलेगा हाइपोटोनिक में अगर आप रेड ब्लड सेल सेल को रख दें तो सेल क्या करेगा फट जाएगा ठीक है अब सेकंड सिनारियो देखते हैं जैसे आइसोटोनिक कहा जाता है आइसोमीन सेम ठीक है सो so, इसका मतलब यह है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होगा उसमें सोल्यूट की कंसेंट्रेशन और वाटर की कंसेंट्रेशन बिल्कुल बराबर होगी इनसाइड द सेल के ठीक है अब जब सोल्यूट और वाटर की कंसनट्रेशन दोनों जाने बराबर होगी तो सेल की जो शेप है वो नॉर्मल रहेगी सो हम लिख सकते हैं कि सेल रिमेंस नॉर्मल क्लियर हो गया अब थर्ड सिनारी देखते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा यानी इस सोल्यूशन के अंदर वाटर की मकदार कम है और सोल्यूट की मेदार बहुत ज्यादा है ठीक है हाइपरटोनिक यानी बहुत ज्यादा सोल्यूट कंसनट्रेशन सो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स या रेड कलर के डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोल्यूट कंसंट्रेशन को सो so, यहां पर क्या हो रहा है कि सोल्यूट की कन्सन्ट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा है और वाटर की कंसनट्रेशन कम है और होगा क्या कि ये जो रेड ब्लड सेल है इसके अंदर ज़ाहरी बात है वाटर की कन्सनट्रेशन एज़ कम्पेयर टू बाहर वाले सोल्यूशन ज़्यादा थी सोल्यूट की कंसनट्रेशन एज़ कंपेयर टू बाहर वाले सोल्यूट कंटेंट कम थी सो होगा क्या कि रेड ब्लड सेल से वाटर बाहर निकलना शुरू कर देगा टुवर्ड्स हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन एंड टू वर्ड्स लो वाटर कंसनट्रेशन जो वाटर पोटेंशियल राइट सो वाटर जहाँ से बाहर मूव करना शुरू कर देगा सो so जब वाटर जहाँ से बाहर मूव करेगा सो so सेल की जो शेप है वो बिगड़ सी जाएगी सेल श्रिंक कर जाएगा सो so यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सेल क्या कर जाएगा श्रिंक कर जाएगा और इसे बियोलॉजी के टर्म में क्रीनेशन कहा जाता है अब ये सब बताने का मकसद क्या हुआ ये सब बताने का मकसद ये है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के कैस के अंदर ओसमोस बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो सोल्यूट या सोल्यूशन जो है उसकी जो नेचर है वो आइसोटोनिक रहे राइट right? सो so, इसका मतलब यह है कि एनिमल की बॉडी के अंदर आइडियल कंडीशन क्या है आइसोटोनिक राइट right? हमारी बॉडी के अंदर इसका मतलब यह है कि सेल के अंदर की वाटर कंसनट्रेशन और सेल के बाहर की वाटर कंसनट्रेशन सेम होती है सो हम कह सकते हैं कि एनिमल के कैश के अंदर आइसोटोनिक इन्वायरमेंट मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है और यह इन्वायरमेंट ऑसमोसिस की वजह से मेंटेन रहती है क्लियर हो गया ओके अब हम प्लांट का कैस स्टडी करते हैं औसमोसिस प्लांट सेम वही सिनेरियो हम देखेंगे हाइपोटोनिक आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आ गया जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है बाहर ठीक है वाटर मालिक्यूल की कंसनट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा है सो so, होगा क्या सिंपल वाटर बाहर से राश इन करेगा इनसाइड द प्लांट सेल ठीक है वाटर मूव करेगा इनसाइड द प्लांट सेल और प्लांट सेल के अंदर आप जानते हैं सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है जो कि बड़ा होता जाता है ठीक है उसके अंदर वाटर स्टोर होगा और वो बड़ा होता जाएगा और सेल में मरैन जी ब्ल्यू कलर में मैंने ड्रा कर रखी है ये बड़ी होती जाएगी और साइड पर आप जानते हैं कि प्लांट सेल की साइड पे सेल सेलवाल होती है क्या होती है सेल सेलवाल ठीक है सेल सेलवाल होती है और ये सेल वाल क्या करती है प्रोटेक्ट करती है ये बहुत मज़बूत बाउंड्री है सो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा कि वाटर बहुत ज़्यादा रश इन करेगा प्लांट की बॉडी के अंदर और सेल सेलवाल उस प्लांट के सेल को बस्ट फटने से बचाएगी जबकि एनिमल के केस में सेल बस्ट कर गया था हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जहाँ पर क्या होगा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल जो है वो बहुत टर्जेड रहेगा फटेगा नहीं क्यों क्योंकि इसके इर्गिद सेल वाल मौजूद है सो सेल क्या रहेगा टर्जेड ठीक है ये फिनामना और इसके अलावा आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा ज़ाहिर बात है बायर बायर और अंदर की जो वाटर की पोटेंशियल है वो सेम रहेगी सोल्यूट की कंसंट्रेशन दोनों साइड पर सेम रहेगी सो एक नॉर्मल मैकेनिज्म जो आइपोटोनिक में सेल है सेल की चये तकरीबन वैसे ही रहेगा ठीक है सो सेल नॉर्मल रहेगा हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर क्या होगा कि सोल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है बाहर वाटर की कंसनट्रेशन कम है सो so अगेन मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ सोल्यूट की कन्सनट्रेशन बाहर ज़्यादा कर रहा हूँ रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसे सोल्यूट की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है ठीक है तो जब सोल्यूट की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी तो क्या होगा वाटर मूव करेगा सेल से इंटू द हाइपोटोनिक सोल्यूशन सो वाटर जब मूव करेगा तो सेल के अंदर का जो वैक्यूल है वो सिकड़ जाएगा और सेल अंदर से सुखड़ना शुरू हो जाएगा और क्योंकि सेल की जो बाउंड्री है जैसे सेल में ब्रैन कहा जाता है ये सेल वाल के साथ इंटेक्ट रहती है सो सेल अंदर से इस तरीके से फ्लैसेड सा हो जाएगा सिकड़ सा जाएगा ठीक है फ्लैसेड हो जाएगा बट होता क्या है कि प्लांट के सेल के गैस के अंदर यह सेल अगर ज़्यादा टाइम के लिए फ्लैसिड नहीं है तो दोबारा से पानी मिलेगा तो ये सेल एक्टिव हो जाएगा लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अगर ये कंडीशन रही तो ये सेल फिर डेड हो जाता है और ये जब सेल फ्लैसिड हो जाता है सो तो इस मैकेनिज़म को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मोलाइसिस क्लियर प्लाज्मो हो गया सो तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स के अंदर जो सबसे आइडियल कंडीशन है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है राइट ये आइडियल है अब ये आइडियल क्यों है बिकॉज जब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगी तो प्लांट का सेल टर्जिड रहेगा सही मोटा तगड़ा रहेगा जिसकी वजह से प्लांट के जो नॉन वुडी प्लांट्स हैं उनके जो स्टेम्स हैं वो और लीव्स हैं वो कड़े रहेंगे और स्टोमेटा ओपन रहेगा रहे राइट सो so, प्लांट के कैश के अंदर हाइपोटोनिक सबसे आइडियल है आइसोटोनिक भी चलेगा बट हाइपोटोनिक नहीं चलेगा प्लांट के कैश के अंदर एनिमल के कैश के अंदर हाइपोटोनिक भी नहीं चलेगा हाइपोटोनिक भी नहीं चलेगा आइसोटोनिक इन्वायरमेंट रहनी चाहिए और इस इन्वायरमेंट को मैंटेन कौन कर रहा होता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस मैंटेन कर रहा होता है सो so, तकरीबन काफ़ी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी क्विकली रिव्यू कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया पैसिव ट्रांसपोर्ट की तीन टाइप्स हैं सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या है कि चीज़ों की ट्रांसपोर्ट जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं इसकी दो टाइप्स हैं लिविंग सिस्टम के अंदर डिफ्यूजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हो रही होती है और डिफ्यूजन की एग्जांपल में हमने स्टडी किया कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये सिंपल डिफ्यूजन की टाइप है इसी तरीके से ग्लूकोज और कुछ आइंस वगैरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए होती है और थर्ड टाइप की जो डिफ्यूजन डिफ्यूजन है जिसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं जिसमें सिर्फ वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है और सिर्फ इस वाटर की ट्रांसपोर्ट को ऑस्मोसिस कहा जाता है लिविंग सिस्टम के अंदर हमने स्टडी किया कि ऑस्मोसिस में क्या होता है वाटर हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है द सेमी सेमीपर्मियाबल मेंब्रेन और इसमें हमने स्टडी किया कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है वाटर पोटेंशियल मयर है टेंडेंसी है वाटर की टू मूव वन प्लेस टू अनदर यानी एक जगह से वाटर दूसरी जगह जो मूव करता है इसी वाटर पोटेंशियल की वजह से मूव करता है और इस ऑस्मोसिस के हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं यानी हमारी बॉडी का जो वाटर बैलेंस मेंटेन होता है ऑस्मोसिस की वजह से होता है प्लांट के अंदर जो वाटर ट्रेवल करता है ऑस्मोसिस की वजह से होता है प्लांट की ओ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टोमेटो होती है इसी तरीके से फ्लावर जो ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं उसमें भी वाटर का रोल होता है टच मी नॉट प्लांट को जब आप टच करते हैं तो वो बंद होता है वहाँ पर भी वाटर की चेंजेस की वजह से वो बंद होता है सो so, वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसी तरीके से जो नॉन वुडी प्लांट है वो स्टैंड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर ऑफ वाटर और तीन जो टाइप के सोल्यूशन होते हैं उनको हमने तीनों केसेज़ के अंदर स्टडी किया ऑस्मोसिस अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो वहाँ पर अगर एनिमल सेल को आप हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखें तो सेल जो है सेल के अंदर वाटर एंटर कर जाता है और वाटर बस्ट हो जाता है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट आइडियल होती है एनिमल सेल के अंदर जिसमें बाहर और अंदर की जो वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट कंसनट्रेशन है वो बराबर रहती है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि वाटर सेल से निकल जाता है इनटू द सॉल्यूशन और सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है इस प्रोसेस को क्रीनेशन बोलते हैं प्लांट के केस में अगर हम स्टडी करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब हम प्लांट सेल को रखेंगे तो वाटर प्लांट सेल के अंदर एंटर करेगा लेकिन वो सेल बस्ट नहीं होगा क्योंकि उसके राउंड एक सेल वाल की बाउंड्री है और ये बहुत आइडियल इन्वायरमेंट होती है प्लांट के लिए आइसोटोनिक एनवायरमेंट में सेम सिचुएशन होती है और हाइपरटोनिक में क्या होता है कि वाटर लूज कर जाता है लेकिन सेल वाल की वजह से वो सेल की शेप इतनी नहीं बिगड़ती लेकिन अगर लंबे अरसे तक ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर ये सेल पड़ा रहे तो ये डेड हो जाता है और इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़